नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। सीधे लिए चलते हैं आपको इंदौर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। दो दिनों तक चलेगा ये इन्वेस्टर समिट। आपको बताते चले, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आयोजन को लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही थी और करीब 3 महीने से इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की गई। आज वो दिन आ चुका है जब इस समिट का आयोजन हो रहा है। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इसमें 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। तो वहीं फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश थीम पर इस समिट का आयोजन हो रहा है। आपको बताते चले कि पर्यावरण संरक्षण का इस आयोजन के दौरान पूरा ध्यान रखा गया है। और देखिए, खास बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर आए दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील करते रहते हैं कि पौधारोपण करें। और अगर हम बीते दिन देखें तो प्रवासी भारतीयों के साथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया था, जहां पौधा लगाया गया था। और अब ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इस पर भी अगर देखें तो इस दौरान भी, इस समिट में भी पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। और देखिए, जीआईएस में आज इनका संबोधन होगा, तो ये भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर संबोधित करेंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संबोधन देंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होगा। तो ये प्रमुख तौर पर संबोधन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का संबोधन होना है। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का भी संबोधन विशेष। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संबोधन काफी विशेष है। आज के समिट में काफी अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस समिट के तहत कोशिश की जा रही है कि निवेशकों को अलग अलग आइडियाज दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि कई लोग उद्योग घराने के ऐसे लोग हैं जो इस समिट में पहुंचेंगे, शामिल होंगे। तो देखिए, उनमें से कुछ नाम है जैसे कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप और हैं, जो कि उनके अलावा नोएल एम टाटा जो कि चेयरमैन है टाटा इंटरनेशनल, प्रणव अडानी, एमडी अडानी ऑयल एग्रो एंड गैस, संजीव पुरी सीएमडी आईटीसी, संजय किर्लोस्कर सीएमडी किर्लोस्कर ब्रदर्स। तो देखिए, कई ऐसे प्रमुख नाम हैं और कई ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल होंगे इस समिट में। तो कहीं ना कहीं उम्मीदों भरा ये समिट है। मध्य प्रदेश को इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा। और क्योंकि उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, पहले दिन की बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ सत्र होने हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी। इसके अलावा कई अलग अलग विषयों पर बातचीत होनी है। टेक्सटाइल और गारमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, अर्बन एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए, इस समिट के तहत जो कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश को नई उड़ान भरने के लिए, नई उड़ान देने के लिए, नए पंख देने के लिए, प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए, ऐसे में इस कोशिश के दौरान देखिए हर एक विषयों पर महत्व दिया जा रहा है, चर्चा की जाएगी इस समिट के दौरान। फिर चाहे बात टेक्सटाइल की हो, चाहे बात गवर्नमेंट की हो, चाहे बात एग्रीकल्चर, फूड और डेयरी प्रोसेसिंग की हो, या फिर फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर की हो, हर एक विषयों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। मोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पर भी विशेष चर्चा की बात कही जा रही है। और दो दिन बहुत ही खास हैं। अगर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बताएं तो देखिए, इसमें प्रदर्शनी सबसे ज़्यादा आकर्षण के केंद्र है। ऐसे में एक प्रदर्शनी लगाई गई है समिट में। इसमें मध्य प्रदेश पवेलियन है, जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे और मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्कों, प्रमुख निवेश परियोजनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें राज्य के
अलग पहलुओं जैसे विरासत, संस्कृति, वन्य जीवन को लेकर भी कवर किया गया है। 1,00,000 वर्ग फीट में फैले अलग औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए 100 से अधिक उद्योगों के तहत स्टॉल लगाए जाएंगे और इसके साथ ही प्रतिभागियों को जानकारी देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट भी होंगे। तो देखिए, कई अहम चीज़ें हैं, कई खास चीज़ें हैं। ऐसे में अब इसमें देखिए कई देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 11 और 12 जनवरी बहुत ही खास समिट में कई विषयों पर 19 समानांतर सत्र हैं। इन क्षेत्रों में देश विदेश के निवेशक शामिल होंगे। समिट में 90 से ज़्यादा बड़े उद्योगपति शामिल हैं। 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स भी समिट में भाग ले रहे हैं। करोड़ों के निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना इस समिट के बाद जताई जा रही है, जिनमें एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल पर चर्चा की जाएगी, हेल्थ केयर, रेवेन्यू, एनर्जी, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में भी बात की जाएगी, टेक्सटाइल और गारमेंट विषय पर भी बात होगी, IT, पर्यटन, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग पर भी सत्र होना है। तो देखिए, कई ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत की जाएगी और देखिए जो चर्चा का विषय है कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, नॉयल टाटा, नादिर गोदरेज शामिल होंगे इस समिट में और पुनीत डालमिया के शामिल होने की बात कही जा रही है। अजय पिरामल भी शामिल होंगे। ऐसे में ये सभी काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। तस्वीरें आपको लगातार कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी। इसी के तहत पूरे इंदौर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए लोगों से अपील की गई। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किया ताकि ये जो समिट है सकारात्मक तरीके से पूरा हो सके इसका आयोजन। कुमार मंगलम बिरला, जो कि बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, नोएल एम टाटा जो टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, प्रणव अडानी, अडानी ऑयल एग्रो एंड गैस के MG हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो उद्योग घराने के जो समिट में शामिल होंगे। इनके अलावा देखिए, संजीव पुरी CMG ITC, संजय किर्लोस्कर CMG किर्लोस्कर ब्रदर्स, अजय पिरामल, पिरामल इंटरप्राइजेस, संजीव बजाज CMG बजाज फिनवर्स, राघव पत सिंघानिया MD JK सीमेंट, संजीव मेहता CMD हिंदुस्तान यूनिलीवर, नादिर गोदरेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये वो नाम है जो इस समिट में शामिल होने वाले हैं, उद्योग घराने के ये बड़े नाम। और इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश को जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान को जुड़ी हुई है। ऐसे में कोशिश यही है कि जब ये उद्योग घराने के जो बड़े नाम हैं वो पहुँचेंगे, समिट में शामिल होंगे, ऐसे में आने वाले समय में मध्य प्रदेश को निवेश मिलेगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश प्रगति की उड़ान भरेगा। और देखिए, कोशिश इस दौरान ये भी की जा रही है कि जो प्रदेश की संस्कृति है उससे भी रूबरू कराया जाए। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय और जनजातीय कला जैसे कई चीज़ों को दर्शाया जाएगा। गोंड पेंटिंग, भील पेंटिंग, जरी जरदोजी, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रदर्शित की जाएगी। जूट, बाग प्रिंट, बुटीक प्रिंट, गुड़िया, बांस कला, घंटी, कारीगरों के द्वारा धातु शिल्प और हथकरघा जैसे चंदेरी और महेश्वरी वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके लिए लगातार CM शिवराज द्वारा ध्यान दिया गया और इसकी तैयारियां पहले से ही की गई लंबे समय तक। CM के निर्देश के साथ ही प्रशासन भी इस पूरी तैयारी को लेकर जुटा रहा। मंच से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहां
लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे और संबोधित करेंगे। संबोधन कई सीएम शिवराज सिंह चौहान के तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। इनके अलावा गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली पटेल जी का, हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच में मौजूद, सभी का स्वागत करते हुए, सभी का आभार जताते हुए कि इस कार्यक्रम और मंचासीन और इस सम्मानित सभागार में उपस्थित आप सभी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। भारत के दिल मध्य प्रदेश में और देवी अहिल्याबाई की नगरी, देश के सांस्कृतिक केंद्र, और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्वच्छता की राजधानी और स्वाद की राजधानी इंदौर में, और इंदौर वासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण में। और देवी सज्जनों, हम सभी का ये मानना है और हमारा ये अटूट विश्वास भी है कि किसी भी कार्य की शुरुआत यदि ईश्वर की स्तुति और वंदना से की जाए तो वह अवश्य सफल होता है। तो इसी मनोकामना के साथ आइए आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करती हूँ, साथ साथ हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी गयाना के और सूरीनाम के, और निवेदन है श्री प्रहलाद पटेल जी से, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग, साथ साथ हमारे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से कि वह दीप प्रज्वलित कर आज के इस दिन का मंगलमय शुभारंभ करें। एंड वी ऑल्सो वेलकम श्री कुमार मंगलम बिरला जी जॉइनिंग अस नाउ ऑन द डेज। थैंक यू सर, हार्टी वेलकम टू यू। देवी सज्जनों, हमारी भारतीय परंपरा और हमारे अटूट विश्वास के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ हम आज के इस दिवस का सभी की शुभकामनाओं के साथ और सभी के लिए मंगल कामना के साथ, वी ओपन द डोर्स टू द मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। एंड एट द वेरी ऑनसेट, Ladies and gentlemen, we would like to express our heartfelt thanks and gratitude and appreciation to our distinguished guest of honor for joining us today and for dignifying and magnifying this event with their gracious presence. We are really honored to have with us the Honorable President of Guyana, His Excellency Dr. Mohammed Irfan Ali ji. Devi Sajjano, aapko batana jayenge ki lagbhag 3,27,000 गयाना के नागरिक भारतीय मूल के हैं। गयाना में इंडो गयाना के लोगों का सबसे बड़ा जातीय समूह है। क्रिकेट दोनों देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है और आप लोग जानते होंगे कि गयाना के कई खिलाड़ी भारत की प्रसिद्ध क्रिकेट लीग आईपीएल में खेलते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी बनने से पहले श्री इरफान आवास, जल, पर्यटन, उद्योग और वाणिज्य विभागों के मंत्री थे। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि देवो भव, जो पूरे तन मन से इसे जीते और विश्वास रखते हैं, वो स्वयं स्वागत करना चाहेंगे अंगवस्त्रम भेंट कर हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ गयाना हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी को। Please join us, ladies and gentlemen, as we extend our greetings and felicitate the Honorable President Guyana. Hamare saath manch par Honorable President of Suriname bhi hain, His Excellency Shri Chandrika Prasad Santokhi ji.
आपको बताना चाहेंगे कि सूरीनाम में इंडो सूरीनाम सबसे बड़ा जातीय समूह है जो कुल जनसंख्या का 27.4% है। आपने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, देश के पुलिस आयुक्त बने और राष्ट्रपति बनने से पहले आप न्याय और गृह विभाग के मंत्री थे। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि श्री संतोखी हिंदी बोल सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपका स्वागत करते हुए। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री प्रहलाद पटेल जी का, हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग हमारे साथ यहाँ पर मंच पर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन फूड प्रोसेसिंग, वन ऑफ द मेजर सेक्टर फोकस व्हिच वी हैव, एंड वी हैव आवर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फूड प्रोसेसिंग जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ग्रेसिंग द ओकेशन। मित्रों, हमारे साथ वर्चुअली यूएसए से जुड़े हुए हैं हमारे प्रिय वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत सरकार श्रीमान पीयूष गोयल जी, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज इस मंच पर हमारे सौभाग्य से उपस्थित गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, आदरणीय जयशंकर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जो कृषि और जल शक्ति देखते हैं भाई प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, आज देश का उद्योग जगत यहां मंच पर विराजमान है। मैं आप सबका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच के नीचे जो हमारे निवेशक मित्र बैठे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे हैं, मैं आपसे भी, आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आपके स्वागत में मध्य प्रदेश ने पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, मांडवेर मंडे हैं, रंगोलियां बनी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से शहर सजा हुआ है। अपने इंदौर ने और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता ने दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत किया है। मैं उन सब की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारा सौभाग्य है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी परसों भी इसी मंच पर आशीर्वाद देने पधारे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले, आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं,
ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस मंच पर खड़े होकर भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। ऐसे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, माननीय मोदी जी। नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली तौर पर जुड़ चुके हैं। आपको बताते चले कि उनका इंतजार किया जा रहा था और आज से ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दो दिनों तक चलेगा और ऐसे में सबसे खास इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है और जो कि शुभारंभ उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट से जुड़े हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करते हुए प्रशंसा की। काफी ज्यादा अहम ये समिट मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश को आने वाले समय में विकास के तर्ज पर एक गति देने के लिए ये समिट काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है और सबसे खास इस समिट में जो संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद देवी सज्जनों, हमें खुशी है कि आज जब हम मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं तब हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सतत मार्गदर्शन और प्रेरणादायक नेतृत्व मिल रहा है उनके उद्घाटन उद्बोधन से। थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, हम उसे बस ठीक कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। देखिए, इंतज़ार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का और वर्चुअली तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ऑडियो को लेकर दिक्कत हो रही है। अब कोशिश की जा रही है उसको दुरुस्त करके जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की शुरुआत करें और उनके संबोधन के साथ ही 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारम्भ होगा। और हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सभी मेहमानों का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मेहमानों का स्वागत सीएम द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने बोला कि नए भारत का उदय हो रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा और ये भारत आत्मनिर्भर भारत है। अब क्योंकि इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का और उसके बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति Chandra Ladies and gentlemen, Prasad. As we are just having some technical snag, I think we have Shri Piyush Goyal ji joining us, the Honorable Minister of Commerce and Industry and Textiles, Government of India. Is known to have taken many reforms towards the simplification, facilitation, ease of doing business, and that has generated a lot of trust and confidence among the business community. Even today, as he joins us, he's there in Washington, D.C., and in New York with the industrialist and talking to the industrialist and the leading CEOs. And also, as you know, that he introduced the PLI scheme that has given a boost to the domestic manufacturing and Make in India. So really honored to have you, sir. And we would now like to request you to please address this August gathering. Ladies and gentlemen, the Honorable Minister, Shri Piyush Goyal ji.
Thank you very much, madam. The Honorable President of Suriname, the Honorable President of Guyana, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Shivraj Singh Chauhan ji, Honorable Foreign Minister Dr. Jay Shankar, Sri Prahlad Patel ji, all the distinguished ministers of Madhya Pradesh, all the very distinguished guests, captains of industry, leaders of business assembled in Indore from across the world and all across India, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. I'm indeed delighted to be joining this Madhya Pradesh Global Investors Summit 2023 and the inaugural session soon to be inaugurated by the